नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, पलपल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए मौसम और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने चक्रवाती दौर का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। आज दोपहर करीब 2 बजे जयपुर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई और ओले गिरे। यहाँ सुबह से ही बादल छाए थे, तेज हवाएं चल रही थी। ओले बारिश से अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री तक गिरावट आई है। जयपुर सहित राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में मौसम में बदलाव देखा गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान में 7 साल की मासूम को 4.50 लाख रुपए में खरीद कर उसकी शादी 28 साल के युवक के साथ करा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस खेतों में बने आरोपियों के मकान पर पहुंची और वहां दुल्हन की तरह सजी बच्ची मिली, जो मोबाइल पर गेम खेल रही थी। बच्ची के हाथों में मेहंदी लगी थी और उसने पायल बिछिया पहन रखी थी। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सस्पेंड हो चुके जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को बुधवार को ACB कोर्ट में पेश किया गया। भ्रष्टाचार का खजाना रखने वाले वेद प्रकाश को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ACB ने रिमांड की डिमांड करते हुए तर्क दिया कि वेद प्रकाश सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहा, साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। जयपुर में मंगलवार से 2000 के नोट बदलने शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में अभी लोग 2000 के नोट लेकर दुकानों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान नोट देने पर बहस भी हो रही है। RBI ने कि जयपुर ब्रांच में नोटों के बदलने के लिए अलग से 2 काउंटर तैयार किए गए हैं, जहां आसानी से लोग जाकर नोटों की जांच करवा सकते हैं। RBI के अधिकारी ने बताया, बैंकिंग समय में लोग आकर अपने नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं। अभी यह सीमा 10 नोट तक की है। जनसुनवाई में लोगों को बुलाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन भरतपुर में एक सरपंच में अनूठा आइडिया अपनाया। जनसुनवाई में भीड़ जुटाने वाले लोगों को रोकने के लिए डांसर बुलाया गया। इसका वीडियो भी किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस मामले में अब जब अधिकारियों ने बातचीत की तो उनका कहना था कि इसकी व्यवस्था सरपंच की होती है। मामला नदबई विधानसभा की करौली ग्राम पंचायत का है। बताया जा रहा है कि जिला प्रमुख जगत सिंह की जनसुनवाई मंगलवार को रखी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नए भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सिंगोल भी स्थापित करेंगे। सिंगोल चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब भी कोई राजा बनता था उसे यह राजधान दिया जाता था। सिंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपदा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहाँ बुधवार की ईडी ने छापा मारा। एक्शन शराब नीति केस के सिलसिले में लिया गया है। संजय सिंह ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। इसे लेकर ईडी ने गलती मानी। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी व सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतिया है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी।